नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध या अपर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में इन 16 दिनों में पितरों के पिंड दान और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। पुराणों के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से देवगण खुश होते हैं। इसी कारण पितृपक्ष के श्राद्धों के दौरान पूर्वजों को याद करने और उनके नाम से पूजा अर्चना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों का तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर ही विदा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से पितर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और मनुष्य को आयु, पुत्र, यश, कीर्ति और धन धान्य की कमी नहीं रहती। श्राद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आज के वीडियो में श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। श्राद्ध कर्म हमेशा श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से ही करना चाहिए। श्राद्ध में गंगा जल, शहद, दूध, कुशा और काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा तिथि अनुसार ही करना चाहिए, लेकिन यदि पितरों की तिथि पता ना हो तो श्राद्ध कर्म अमावस्या तिथि पर करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कुशा का आसन सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा ऊन, कंबल या लकड़ी का आसन भी ले सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध और घी को ही प्रयोग में लाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो भांजे, दामाद या दोहित्र को भी भोजन करवा सकते हैं। श्राद्ध करते समय यदि कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी आदर के साथ भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में केले के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तनों का उपयोग उत्तम होता है। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन हमेशा मौन रहकर ही करवाना चाहिए। मान्यता है कि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहते हैं। ब्राह्मणों को अच्छे भाव से भोजन करवाने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही अपने परिजनों और रिश्तेदारों को भोजन करवाना चाहिए। आइए वीडियो में आगे पितरों को मोक्ष दिलाने वाले कुछ तीर्थ स्थलों के नाम जानते हैं। इन तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। सबसे पहला स्थल है गया, बिहार। पितृपक्ष के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार में पितरों का श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि यहाँ किए गए श्राद्ध कर्म का दुगना फल मिलता है। प्रयाग, उत्तर प्रदेश। सभी तीर्थ स्थलों में से प्रयाग सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ पर पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म कपाल घाट, बद्रीनाथ। इस जगह श्राद्ध कर्म करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि यहाँ पर पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लोहागढ़, राजस्थान। मान्यता है कि यहाँ पर पितृ श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या दान करना चाहिए और महादान कौन कौन से हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ भी दान करते समय हाथ में काले तिल लेकर ही दान करना चाहिए। मान्यता है कि काले तिल भगवान विष्णु जी को अति प्रिय हैं और दान में काले तिल को प्रयोग में लाने से संपूर्ण दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष में अन्न के दान का भी बहुत महत्व है। अनाज का दान करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों को भी मनुष्यों की ही तरह सर्दी गर्मी का एहसास होता है, इसलिए श्राद्ध कर्म करते समय अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध में गाय के घी का बहुत महत्व होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार घी का दान करने से भी उचित फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में स्वर्ण के दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। स्वर्ण का दान करने से परिवार में रहने वाला कलह कलेश समाप्त होता है और परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह पैदा होता है। पितृ श्राद्ध करते समय चांदी के दान का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि चांदी, चावल और दूध के दान से पितर बहुत खुश होते हैं।
इन वस्तुओं के दान से वंश में वृद्धि होती है और साथ ही मनुष्य की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। गोदान सबसे बड़ा दान माना गया है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में गोदान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि पितृ श्राद्ध करते समय यदि गाय का दान किया जाए तो हर सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। पितृ श्राद्ध में भूमि का दान, गुड़ का दान और नमक का दान भी किया जा सकता है। पितरों का दान हमेशा किसी योग्य ब्राह्मण को ही करना चाहिए। पितृ श्राद्ध करने के बाद उन्हें भोजन दान दक्षिणा देने के बाद उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और पितरों की संतुष्टि की प्रार्थना करते हुए जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। यदि वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।